गुड मॉर्निंग। जैसा कि लास्ट वाले सेशन में हमने डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पे कुछ क्वेश्चन किया था जो डायरेक्ट एक्सपेंडिंग पे था, आज एक्सपेंडिंग पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। जैसे हम एक डिटरमिनेंट कहते हैं, हम बताया था कि डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा लिखिए 1, 2, 3 -1, 4, 5, 6, 1, 4। हम ये डिटरमिनेंट लिए जो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। जैसे इसको हम एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट। उस दिन हम क्या किए थे कि जब हम R1 के अलोंग एक्सपेंड किए थे तो हम थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट किए। हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर वाले टर्म को इस पर हम एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं कि हम उसको हाइड करते हैं, नॉट एलिमिनेशन, उसको हम हाइड करते हैं। कैसे हाइड करते हैं वो देखिए। एक्सपेंडिंग में R1 है, R1 के एलिमेंट्स है 1, 2, 3। जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम पहले 1 लेंगे। जब 1 लेंगे तो हम उसमें बताए थे कि 1 के एसोसिएशन में जो रो है और 1 के एसोसिएशन में जो कॉलम्स हैं उसको बंद करेंगे। जब बंद करेंगे तो हमको सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है 4, 5, 1। इसको हम लिखेंगे अपने, अब इसको यहां से डायरेक्ट ऑपरेटर देखें, इसको हम देंगे तो ये और ये 1, 4, 4, 16 -1, 5, 5, 5। ठीक है, ये काम मेरा खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 2 पे। 2 का पोजिशन साइन क्या है, माइनस, तो माइनस 2 ले लिए। जब माइनस 2 ले लिए अब देख लीजिए अब क्या होगा, इस 2 से के एसोसिएशन में जो रो है और इस 2 के एसोसिएशन में जो कॉलम है उसको बनती है दिस एंड दिस। तो हम देखते हैं क्या है मेरे पास, -1, 5, 6, 4। -1 × 4 दैट इज -4, -1 × 4 दैट इज -4, एंड 6 मल्टीप्लाई -5 दैट इज 30, -30। नाउ 3 को देखते हैं हम। 3 का पोजीशन साइन प्लस है, +3 लिया मैंने। जब 3 लिया तो देखें इसी एसोसिएशन में इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, दैट इज -1 × 1 दैट इज -1 -6 × 4 = 24। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में जाए। 16 - 5 दैट इज 11, 11 × 1 = 11। एंड यहां पे देखेंगे -4 और -30 दैट इज -34, एंड -34 मल्टीप्लाइड बाई -2 दैट इज 68, +68 -30 - 4 दैट इज -34, -34 मल्टीप्लाई बाई -2 दैट इज +68। एंड नाउ -1 - 24 दैट इज -25, एंड -25 मल्टीप्लाई बाई +3 दैट इज -75, -75। नाउ 8 and 1 9, 6 and 1 7 79 -75, 79 - 75 दैट इज 4। मैंने उसने कहा था कि आप किसी भी डिटरमिनेंट को किसी एनी रो और एनी कॉलम, एनी वन रो और एनी वन कॉलम्स के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम करके फिर दिखाते भी हैं किसी दूसरे, अगर हम एक्सपेंडिंग करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग अगर हम C1 करते हैं, देखें जब एक्सपेंडिंग अलोंग C1 करेंगे तो 1 लेते हैं, 1 का साइन यहां पे प्लस है, पोजिशन साइन तो 1, तो 1 लिखे तो k को फर्स्ट वाला से कोई रहेगा 4, 4 = 16 and 1, 16 - 5। अब यहां देखें C1 में जो सेकंड मेंबर्स हैं वो -1 है, तो माइनस को पहले लगा लें और नंबर मेरा -1 है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस होता है पोजिशन साइन, तो माइनस लगाए और -1।
एसोसिएटेड रो है उसको बंद कीजिए, माइनस वन से एसोसिएटेड रो दिस है एंड माइनस वन से जो एसोसिएटेड कॉलम्स है उसको बंद कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 2 3 1 4 4 2 8 4 2 8 माइनस 3, ठीक है। अब हम चलते हैं प्लस 6, प्लस माइनस प्लस अगेन, तो प्लस 6, जब प्लस 6 लेंगे इससे एसोसिएटेड रो को बंद कीजिए और इससे एसोसिएटेड कॉलम को बंद करेंगे, तो 5 2 10 10 माइनस 4 3 12 12, 16 माइनस 5 यू हैव 16 माइनस 5 दैट इज 11 एंड दिस माइनस 1 दैट इज प्लस 1, 8 माइनस 3 दैट इज 5 प्लस 5, 10 माइनस 12 दैट इज माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 6 दैट इज माइनस 12, 11 प्लस 5 दैट इज 16, 16 माइनस 12 दैट इज 4. Now we simply hear that 4 and 4 that is the equal value. Either you have to approach this from the R1, either you have to approach this from the C1. In both cases, I obtain 4 and 4. Is the value change? नहीं करते, ठीक है। तो ये तो हमारे एक्सपैंडिंग हुआ जिसको हम समझे। डिटरमिनेंट्स में जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वह दो नेचर के क्वेश्चंस पाले होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कहा जाएगा कि विदाउट एक्सपैंडिंग, अभी हमने यहां पर क्या किया, विदाउट एक्सपैंडिंग, विदाउट एक्सपैंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी लेवल में किसी भी स्टेज में, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, विदाउट एक्सपैंडिंग का क्वेश्चन में लिख देगा तो वहां पर क्या होगा, बाउंड हो गया, रिस्ट्रिक्शन एक कंडीशन मिल गया आपको। उस केस में क्या करेंगे कि किसी भी स्टेज में किसी भी लेवल में एक्सपैंड नहीं करना है, उसको सिर्फ प्रॉपर्टी से बनाना है, प्रॉपर्टी से ही यूज करके उसको बनाना है। अभी मैंने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया, अब मैं प्रॉपर्टी शुरू करने जा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें कहता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी अगर है तो उसमें हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और किसी लेवल में एज पर द रिक्वायरमेंट जहां पे हमें जरूरत पड़ती है वहां पे एक्सपैंडिंग भी करते हैं, एक लेवल पे ऑपरेट करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद उनको जहां जरूरत पड़ती है हम उसको एक्सपैंड करते हैं, तो वहां पे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां पे विदाउट एक्सपैंडिंग लिखता है वहां पे सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना है, एक्सपैंड नहीं करना है। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें विदाउट एक्सपैंडिंग होता है, विदाउट एक्सपैंडिंग, विदाउट एक्सपैंडिंग जहां रहेगा, विदाउट एक्सपैंडिंग जहां रहेगा वहां पर वल्ली वल्ली प्रॉपर्टीज, वल्ली प्रॉपर्टीज विल बी यूज, ठीक है। एक नेचर का क्वेश्चन इस तरह का बनता है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन बोलता है यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर हम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, ठीक है, अलोंग विद हम कर सकते हैं उसमें एक्सपैंड। ये दो तरह के क्वेश्चन हमको मिलेंगे जो कि फर्स्ट स्टेज के जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें, एक विदाउट एक्सपैंडिंग, दूसरा यूजिंग प्रॉपर्टीज अलोंग विद एक्सपैंडिंग, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन कहता है, आंसर देखेंगे, किसी भी डिटरमिनेंट में रो और कॉलम दोनों हैं, तो रो में जो एलिमेंट्स हैं और कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो रोज को अगर हम कॉलम बना दें, रोज को कॉलम बना दें और कॉलम को रोज बना दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान समझेंगे, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं करती है, कब, जब रो को हम प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में कन्वर्ट कर दें, यानी कि जो R1 है उसको C1 बना दें, जो R2 है उसको C2 बना दें, जो R3 है उसको C3 बना दें, या कॉलम को रो में चेंज कर दें, आइदर C1 को R1 की जगह पे डाल दें, R1 बना दें,
C2 को R2 बना दें, C3 को R3 बना दें, ठीक है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं करती है, रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी क्या कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज इन टू कॉलम्स और कॉलम्स आर चेंज इन टू रो, ठीक है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखते हैं एग्जाम्पल, हम जैसे लेट एक डिटरमिनेंट देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम पहले आपको सबसे छोटा एग्जाम्पल 2, 4, 6, 9, ठीक है, हम यहां देखते हैं 2, 4 इज द मेंबर ऑफ R1 एंड 6 and 9 इज द मेंबर ऑफ R2, 2 and 6 इज द मेंबर ऑफ C1 एंड 4 and 9 इज द मेंबर ऑफ C2। नाउ एक हम देखते हैं डेल्टा एस चेंज करने का, हम क्या कहते हैं अगर 2 and 4 है तो R1 का मेंबर उसको C1 का मेंबर बना दिया, 2 and 4, 6 and 9 जो R2 का मेंबर है उसको मैंने क्या किया, C2 का मेंबर बना दिया, 6 and 9, ठीक है, हमने क्या किया यहां पे कंप्लीट रो को हमने क्या किया कॉलम में चेंज किया। देखिए इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू मिलती है, ठीक है, 9 2 18 माइनस 6 4 24, 18 माइनस 24 दैट इज माइनस 6, ओके, एंड डेल्टा एस की वैल्यू हम इसको देखें क्या मिलती है, 9 2 18 माइनस 6 4 24, क्या वैल्यू आपको वैल्यू माइनस 6। हम क्या देखें द डिटर द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट्स रोज आर चेंज इन टू कॉलम्स, क्या देखा वैल्यू सेम लगे माइनस 6 माइनस 6। इसी तरह हम एक कोशिका करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अगर एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट भी देकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक डिटरमिनेंट हमें लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने एक डिटरमिनेंट लिया, हम इसको एक्सपेंड किए R1 के अलावा एक्सपेंड करते हैं, R1 की जब अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 क्या मिलता है आपको, जब 1 लेंगे तो फिर से ध्यान दीजिएगा, जब 1 लेंगे ये 1 ये 1 9 5 45 45 माइनस 8 6 48, ओके 2 लेते हैं यानी माइनस हो जाएगा 2, जब इसको लेंगे तो 4 9 36 माइनस 7 6 42 एंड जब 3 लेंगे प्लस 3 8 4 32 माइनस 7 5 35, ठीक है, अगेन यू कैन चेंज, अगेन यू कैन चेंज राइट, 1 जब लेंगे 9 5 45 माइनस 8 6 48, 2 ऑन द पोजिशन ऑफ नेगेटिव साइन दैट्स माइनस and 2 2 4 9 36 and 7 6 42, 3 8 4 32 and minus 7 5 35, now we simplify 45 minus 48 that is minus 3, 36 minus 42 that is minus 6 and minus 6 multiply minus 2 that is 12, 32 minus 35 that is minus 3 and minus 3 multiply 3 that is minus 9. Minus 3, 32 minus 35 that is 3, minus 3 and minus 3 multiply 3 that is minus 9. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That is 12 minus 12, that is 0. 1, 9, 5, 45, 8, 6, 48. Minus 2, that is 9, 4, 36. Minus 42, 7, 6, 42. And plus 3, that is 32. 8, 4, 32. माइनस 7 5 35 45 माइनस 48 माइनस 3 एंड 36 माइनस 42 माइनस 6 एंड माइनस 6
multiplying minus 2, that is 12, and 32 minus 35, that is minus 3, minus 3 multiply 3, that is minus 9, 12 minus 12, that is 0. Okay, now देखते हैं इसको चेंज करते हैं, यानी जो R1 था उसको मैं C1 बनाता हूं, इसको डेल्टा S कहते हैं, मैं C1 बनाता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 3, 6, 9, 3, 6, 9 एंड 7, 8, 9, 1, 2, 3 जो R1 था उसको मैंने C1 बनाया, 1, 2, 3 जो R2 है 4, 5, 6, 4, 5, 6 आखिरी है 7, 8, 9, मैंने 7, 8, 9 सिद्धि को बना दिया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, देखिए क्या मिलता है, 1 लग देते हैं, 9, 5 या 45, माइनस 8, 6 या 48, माइनस 4 जब लेंगे तो ये 1 होगा और ये 1 होगा, 9 टू 18, माइनस 8 से या 24, प्लस 7 लेंगे तो बनेगा हमारा ये 1 और ये 1, 6 टू या 12, माइनस 5 टू या 50, 45 माइनस 48 दैट इज माइनस 3, 18 माइनस 24 दैट इज माइनस 6, एंड माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 दैट इज प्लस 24, 12 माइनस 15 दैट इज माइनस 3, एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 21, 24 माइनस 24 दैट इक्वल टू 0। मैंने क्या देखा, मैंने थर्ड ऑर्डर पे भी दिखाया आपको, जब भी हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स और कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रोज, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है जब किसी डिटरमिनेंट में किसी दो रो या किसी दो कॉलम अपने आप में चेंज कर दो, जैसे R1 को हम R2 के जगह पे डालते हैं और R2 को R1 के जगह पे, या C1 को C2 के जगह पे और C2 को C1 के जगह पे, या C1 को C3 के जगह पे या C3 को C1 के जगह पे, किसी दो रो को अपने आप में इंटरचेंज कर दो, रो ध्यान देंगे रो को ऐसा नहीं कि कॉलम के जगह हम करें अपने आप में, यानी रो का चेंजिंग रो में ही होगा, R1 को R3 के जगह पे डाल सकते हैं, R2 के जगह पे डाल सकते हैं, तो किसी दो रो को अपने आप में इंटरचेंज कर या किसी दो रो कॉलम को अपने आप में इंटरचेंज कर, जब हम किसी रो को और कॉलम को इंटरचेंज अपने आप में करते हैं तो उस डिटरमिनेंट के मैग्नीट्यूड पे कोई वैल्यू इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उसके साइन चेंज कर देते हैं, अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन है, ठीक है, अगर नेगेटिव साइन है नेगेटिव साइन लगाएंगे, अगर नेगेटिव आएंगे तो नेगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव करेंगे। तो कहता है इफ एनी टू रोज और कॉलम, यानी दो रो या दो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, पहले से डिफरेंस है, देखिएगा पहले वाले प्रॉपर्टीज में और दूसरे वाले प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, पहले वाले प्रॉपर्टीज में रो प्रत्येक रो को कॉलम में कन्वर्ट करना चेंज करना था और प्रत्येक कॉलम को रो में, यहां पहुंच नहीं है, यहां है कि रो का प्लेस शिफ्ट चेंज हो रहा है, R1 R2 के साथ शिफ्ट हो सकता है, R2 R1 की जगह पर शिफ्ट हो सकता है, इंटरचेंज द रिजल्टिंग डिटरमिनेंट इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट, यानी कि पहले वाले डिटरमिनेंट जो होगा उसका और रिजल्टिंग जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसमें क्या होगा, नेगेटिव टाइप्स मतलब नेगेटिव रहेगा, मैग्नीट्यूड पर कोई चेंज नहीं है। जैसे देखिए मैं एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक ओरिजिनल डिटरमिनेंट है जो 1, 4, 5, 6, ठीक है, इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है 6 1 6 माइनस 5 हो गया 20, 6 माइनस 20 दैट इज माइनस 40,
हम क्या बोल रहे हैं कि किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को अपने आप में इंटरचेंज करना। हम यहाँ आर वन को देखिए और आर टू को देखिए, हम क्या करते हैं आर टू को आर वन के जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और आर वन को आर टू के जगह पर शिफ्ट करते हैं, एक नया जो रिजल्टिंग डिटरमिनेंट हमको डेल डैश मान लेते हैं। क्या मिलता है वो देखिए, 5 6 को ऊपर पर शिफ्ट कर दिए, 5 6 एंड 1 4 को नीचे शिफ्ट कर दिए, ठीक है। क्या भी आप 5 4 का 20 माइनस 6 दैट इज 14। क्या बोल रहा है, रिजल्टिंग डिटरमिनेंट इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट, ओरिजिनल डिटरमिनेंट मेरा क्या था -14 और ये क्या बना 14। इस -14 का क्या है नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट, -14 का नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, नहीं यानी कि क्या मिला आपको जो डेल है और डेल डैश में क्या हुआ नेगेटिव, मतलब डेल हमें मिलाते हैं यहां पे -14 माइनस डेल डैश क्या मिला हमको -14। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड कहता है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग डिटरमिनेंट इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट, नहीं या इसको वैसे भी कह सकते हैं उसको मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जैसे निकलने यहां पर 14 14 मैग्नीट्यूड सेम है बट क्या साइन चेंज हो जाता है, यहां माइनस होता है यहां प्लस, अगर इसका ये प्लस होता तो ये ऑरिजिनल माइनस होता, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हम थर्ड प्रॉपर्टी को भी देखते हैं, हम थर्ड प्रॉपर्टी पता क्या सोचते देखें, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है किसी भी डिटरमिनेंट में, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आइदर R1 R3 आइदर R1 R2 आइदर C1 C2 आइदर C1 C3 अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है यानी आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि R1 में जो एलिमेंट्स की एंट्रीज है वही अगर R3 में एंट्रीज है, जो R1 में एंट्रीज है वही अगर R2 में एंट्रीज है तो वो आइडेंटिकल है यानी सेम नंबर्स हैं, तो उस केसेस में कहता है प्रॉपर्टी कहता है उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी जीरो। ये मिलेगा कैसे जीरो, बाय द वे ऑफ एक्सपेंडिंग, ये प्रॉपर्टी बना एक्सपेंडिंग को यूज करके देखा गया और हर केस में ऐसा आया कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, यानी इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। हम करके दिखाते हैं, जैसे देखें एक डिटरमिनेंट हमने लिया नंबर में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 देखिए इस डिटरमिनेंट को जब हम प्रॉपर्टी जान जाएंगे तो हम कभी भी एक्सपैंड नहीं करेंगे, अभी हम एक्सपैंड करके दिखाते हैं कि जीरो कैसे होता है, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जब ऐसा डिटरमिनेंट हमको कहीं मिलेगा इसको हम देख करके बता देंगे यहां पे क्या है R1 एंड R3 R1 में जो एलिमेंट्स का एंट्री है R3 में सेम एलिमेंट का एंट्री है 1 2 3 1 2 3 तो R1 एंड R3 आइडेंटिकल कहलाएगा, जब R1 एंड R3 आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट देखेंगे कि इसकी वैल्यू जीरो होती है। लेकिन आप तो कहेंगे सर एक्सपेंड करके दिखाएं, दिखाते हैं देख लीजिए जीरो मिलेगा कैसे, 1 लेंगे तो 5 3 4 3 12 6 6 3 4 8 6 6 6 12 8 5 4 4 3 12 9 9 3 12 12 12 that is 0। तो हम क्या देखें, हमें क्या मिला वैल्यू आ गया जीरो। कैलकुलेशन को थोड़ा सा बड़ी कॉन्शियसली करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन पे अगर प्रॉब्लम होता है तो पूरी सिस्टम बिगड़ जाती है। तो हम यहां क्या देखें,
कि आर वन एंड आर थ्री आइडेंटिकल था आपका, वैल्यू क्या आया? जीरो। ठीक है, अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो वैल्यू जीरो ही होगा। अगर आप एक्सपेंडिंग करते हैं जीरो नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा कैलकुलेशन पे, ठीक है, कैलकुलेशन को मैंने गलत किया जिसके कारण जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, यही से केस और भी निकलता है प्रॉपर्टी में, जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, इस आइडेंटिकल वर्ड को हटा देते हैं, प्रॉपर्टी है उसको आप बाद में स्केप कर देंगे। यहां से अगर आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल छपा करके एक वर्ड हम दे देते हैं कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल। आइडेंटिकल तो है ही, अगर प्रोपोर्शनल है तब भी जीरो हो जाता है। जैसे हम एक केस बताते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल केस में जैसे कैसे जीरो होगा, जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6। यहां देखेंगे आर वन एंड आर थ्री, आर वन एंड आर थ्री आइडेंटिकल है, सॉरी प्रोपोर्शनल है। 1, 2, 3, 2, 4, 6, 1 to 2, 2 to 4, 3 to 6। इस केसेज में भी क्या होगा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। अब हम प्रॉपर्टी फोर देखते हैं, इसमें कहता है इस डिटरमिनेंट किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर हम किसी एक नंबर के से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटरमिनेंट हमको मिलेगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट, यानी जो पहले हम डिटरमिनेंट किए वो, उसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जब हम किसी भी कांस्टेंट से लाइक के से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा, जो रिजल्टिंग डिटरमिनेंट मिलेगा वह ओरिजिनल डिटरमिनेंट का के टाइम्स होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने डिटरमिनेंट किए जो सेकेंड रोड में समझाते हैं 2, 4, 8, -1, ये डिटरमिनेंट है। जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालते हैं तो -9 = -18 and -8 = 32 दैट इज 8 × 10 = 314 and -50। क्या देखें, अब हम क्या करते हैं किसी एक कॉन्स्टेंट से, मान लीजिए इलेक्ट, वो कॉन्स्टेंट क्या होता है, इलेक्ट k = 5 या k = 2 लेते हैं, k = 2 लेते हैं, और हम क्या करते हैं आर वन में k से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके, और हम आर वन के जगह पे शिफ्ट करते हैं, आर वन में क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करके और आर वन के जगह पे शिफ्ट करते हैं। अब जो रिजल्टिंग डिटरमिनेंट मान लीजिए क्या मिलता है आपको, डेल डैश मिलता है, आर वन का मेंबर है 2 and 4, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 4 and 4 to 8, 8 and -9। हमको आर टू को नहीं कुछ कर रहे हैं, हम एक रो में कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका वैल्यू -9 to 4, -36, -8 = 64 क्या मिल गया आपको, -100। इस -100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × -50 दैट इज 2 × ओरिजिनल डिटरमिनेंट। यानी हमें क्या ऑप्शन दिया कि डेल डैश इज इक्वल टू 2 डेल, यानी यही डेल डैश इक्वल टू के इंटू जो हमारा के टू है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए वन रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के देन द रिजल्टिंग डिटरमिनेंट इज के टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। तो मैंने आज 4 प्रॉपर्टी किया है, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा और तब आपका फिर क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे बनाने के।
ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, तो नेक्स्ट जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है उसको करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।